नमस्कार दोस्तों, सेरिसी टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है और मैं हूं दिलीप गंगवार। तो आज के पार्ट में हम दोस्तों क्या देख रहे हैं कि अपना गूगल अकाउंट या फिर एमआई अकाउंट कैसे हम उसको बाईपास करें, एमआई फोन्स में या फिर कोई दूसरे फोन में एक अकाउंट पहले डाला गया हो और हम भूल गए हो उसका पासवर्ड वगैरह और वो एरर दे रहा हो। जब भी आप नया जीमेल आईडी डालो तो वो एरर दे कि हाँ भाई ओनर अकाउंट डालिए, पुराना अकाउंट डालिए, और वो आपको ध्यान नहीं है। तो आप कैसे ये बाईपास करेंगे ये सेटिंग्स, वो आज हम देखेंगे। एस न्यू करके और यहाँ पे जीमेल आईडी डालते हैं तो वो क्या बोलता है, ऑनर्स अकाउंट डालिए। देखिए ये एरर आती है, तो इसको हम बाईपास कैसे करेंगे। बस करना क्या है, आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। एक जियोमी का भी सॉफ्टवेयर आता है, पोको लॉन्चर तो देखो जियोमी का है तो ऑथेंटिकेटेड है। बाकी और दूसरे सॉफ्टवेयर भी हैं जो आप डाल के फ़ोन को लॉन्च कर सकते हो। वो सॉफ्टवेयर तो आपको इसी फ़ोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। तो अब प्रॉब्लम आप समझ लो कि इस फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए हम कैसे पहुँचे वहाँ पे, इसको इंस्टॉल करने के लिए गूगल कैसे खोलें, बस वो की है आपके लिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन एक ही है, मान लीजिए हम यहाँ पे ऐड नेटवर्क पे चले जाएं, YouTube.com लिख लिया हमने, शेयर करते हैं। जैसे लिंक में हमने क्लिक करा हमारा YouTube.com खुल गया। अब इसमें अपन क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ सेटिंग्स में आ जाते हैं अगर, और टर्म्स एंड प्राइवेसी में अगर चले जाएं तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, MI का ब्राउज़र जो हमें चाहिए था। अग्री और कंटिन्यू पे कर दीजिए क्लिक, और अब यहाँ पे आप सर्च कर लें वो अपन, ये आ गया हमारा डाउनलोड APK पे कर देते हैं क्लिक। ये देखिए हमारी APK आ गई, ओके कर दो, स्टार्टिंग डाउनलोड। चेंज करना पड़ेगा सेटिंग्स में, कई बार हम अननोन सोर्सेज को ब्लॉक करके रखते हैं, तो इसको क्या कर दिया मैंने, अनब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। तो भाई डाउनलोडिंग यहाँ दिखा रहा है, यहाँ डाउनलोड्स में जाके अगर अपन देखें, डाउनलोड हो गई यहाँ एप्लीकेशन। ठीक है, तो बस इस पर ओपन कर दो अपन, तो ये इंस्टॉल कर देगा। और ये डाउनलोड करेंगे, दैट्स इट, स्टार्टिंग और डाउनलोड। यहाँ राइट में जो आपकी तीन लाइनें, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो मैनेज डाउनलोड में आप जा सकते हो। ये देखिए यहाँ डाउनलोड दिखा रहा है ऊपर, बस इंस्टॉल कर देते हैं अपन इसको। हो गया डन। करोगे तो क्या हो जाएगा, यू आर नाउ ए डेवलपर, ऐसा लिख के आ जाएगा आपके सामने। अब बैक करके चले जाओ और यहाँ पे अपन को मिल जाएंगी एडिशनल सेटिंग्स, और एडिशनल सेटिंग्स में अब यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे OEM अनलॉकिंग पे आ जाएंगे अपन, इनेबल कर देंगे इसको, ये हो गया। आगे डेवलपर ऑप्शन से बाहर, फिर उसके बाद बैकअप और रीसेट पे चले जाएंगे, और उसके बाद फैक्ट्री डाटा रीसेट। अब यहाँ पे रीसेट फोन नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा है, बस यहाँ पे क्लिक कर देना, 10 सेकंड का टाइम देगा, बस वो कर लेने दो इसको, नेक्स्ट कर देते हैं अपन, फिर 10 सेकंड का टाइम लेगा। अब इसको हम फ्रेशली एकदम सेटअप कर लेंगे। लैंग्वेज अब देखिए बिल्कुल पहले ऐसा नहीं हो रहा था ना, अब एकदम फैक्ट्री रीसेट हो रहा है। वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करें, सेटअप एज न्यू स्टार्ट। देखिए दोस्तों चेंज क्या आया इस पेज पे, क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ गया और स्किप का ऑप्शन आ गया। अब आप स्किप भी कर सकते हो और नया अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हो, बाउंडेशन नहीं रही कि आप वही अकाउंट डालो जो पहले डाला हुआ था। स्किप कर देते हैं अभी हम इसको, ठीक है, इसको भी स्किप कर देते हैं। स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं हम यहाँ पे, पैटर्न नॉट नाउ कर देता हूँ मैं।
अब आप आराम से अपना सेटिंग्स में जाके या MI अकाउंट भी आप सेटअप कर सकते हैं नया। यहाँ से आप आराम से नया अकाउंट अपना गूगल का, अब नया आराम से अकाउंट यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, मैं डाल देता हूँ, पासवर्ड डाल दिया। ये देखिए ईमेल आईडी डाल दी, नया अकाउंट सेटअप हो गया। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो तो वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर देना, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और